नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। देश में हर साल लाखों लावारिस लाशें मिलती हैं, लेकिन लापता लोगों और लावारिस लाशों के मिलने का न तो कोई कानूनी तंत्र है और न कोई आंकड़ा। सवाल ये कि पहचान कैसे हो। देश में हर साल आपदाओं में सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है और हजारों लोग लापता हो जाते हैं। इनमें से कई मामलों में न तो पहचान हो पाती है और न ही लापता लोगों की जानकारी। देश में इस वक्त सैकड़ों ऐसे आपराधिक मामले होंगे जो अनसुलझे हैं। उनकी गुत्थी आखिर कैसे सुलझेगी? इन तमाम सवालों का जवाब डीएनए जांच बहुत हद तक देती है। 1985 में भारत में पहली बार कानूनी कार्रवाई में डीएनए जांच को मान्यता मिली, लेकिन तब से लेकर अब तक इसके लिए कोई ठोस कानूनी ढांचे का विकास नहीं हो पाया। शुरुआत तो वैसे 2003 से ही हो गई थी, लेकिन इसके दौरान कई सवाल उठे थे। सवाल निजता का था, सवाल मानवाधिकार का है, सवाल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी है। और इन्हीं सवालों में डीएनए प्रोफाइल को कानूनी जामा पहनाने की सरकार की कोशिशें उलझती रहीं और ये सवाल आज भी बरकरार हैं। लेकिन सरकार आगामी मॉनसून सत्र में डीएनए प्रोफाइलिंग से जुड़ा विधेयक संसद में लाने की कोशिश कर रही है। ये मामला इतना पेचीदा है कि सरकार 2007, 2012, 2015, 2016 और फिर 2017 में कई ड्राफ्टों में संशोधन कर चुकी है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या नया मसौदा पुरानी चिंताओं को दूर करने में सक्षम होगा। क्या है इस बिल के प्रावधान, इसमें क्या तब्दीलियां की गई हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग है क्या और ये कितना जरूरी है। आज विशेष में ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो सरकार संसद के अगले सत्र में डीएनए प्रोफाइलिंग बिल पेश कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने यह जानकारी दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लावारिस शवों का रिकॉर्ड रखने के लिए सरकार जल्द से जल्द ये बिल लेकर आए। जनवरी 2015, तब उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से दो बड़ी खबरें आई। यहां परियर घाट पर करीब 200 लाशें गंगा में तैरती मिली। यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि इसी जिले की पुलिस लाइन से तकरीबन 100 नर कंकाल बरामद हुए। इसके कुछ ही दिन बाद यूपी के ही मुरादाबाद और बहराइच में भी पुलिस लाइन से कंकाल बरामद हुए। इसके बाद तमाम कोशिशें की गईं, लेकिन ये पता नहीं लग पाया कि ये लाशें और कंकाल किसके थे। बाद में कहा गया कि ये वो लावारिस लाशें थीं जो पोस्टमार्टम के बाद अपने वारिसों का इंतजार कर रही थीं, लेकिन इनका इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ और अब तो इन लाशों की पहचान भी तकरीबन नामुमकिन थी। एनजीओ जिन्होंने पीआई लगाई थी कि जो डेड बॉडीज मिलती हैं, लापता लोगों की जो लाश मिलती हैं, जिनको जिनका ये नहीं पता कि उनका नाम क्या है या उनका वारिस कौन है या उनके पेरेंट्स कौन हैं, तो उनकी प्रोफाइलिंग कैसे करी जाए कि जो लोग गुमशुदा हैं उनके साथ उनको कनेक्ट करा जाए। तब 2014-15 में जब जस्टिस कॉल, तब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तब एक बात रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जब कोई व्यक्ति लापता होता है, गायब होता है, तो उसके फैमिली मेंबर्स का डीएनए लेके रख लिया जाएगा और उसका एक बैंक क्रिएट कर लिया जाएगा। तो जब भी कोई लाश मिलेगी या कोई ऐसी बॉडी मिलेगी जिसकी पेरेंटेज नहीं मालूम, तो आप उसके साथ डीएनए प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं था, ये हमारी संवेदनाओं से जुड़ा सवाल भी है। सभी धर्मों में शव की अंतिम क्रिया का पहला अधिकार करीबी रिश्तेदारों का है, लेकिन कई बार लाशों की पहचान स्थापित नहीं हो पाती और कई बार पुलिस जल्दबाजी या काम के बोझ में रिश्तेदारों को खोजने की जहमत नहीं उठाती। इन लाशों का अंजाम या तो वही होता है जो उन्नाव, मुरादाबाद और बहराइच में हुआ, या फिर उनको कहीं ठिकाने लगा दिया जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि लावारिसों की पहचान कैसे हो। डीएनए प्रोफाइलिंग और विनियमन विधेयक इस दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इसकी तैयारी काफी अरसे से चल रही थी। कई मामलों में डीएनए प्रोफाइलिंग अब भी हो रही है, लेकिन जल्द ही ये काम कानून की शक्ल ले लेगा।
हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे जो अनक्लेम्ड और अननोन डेड बॉडीज मिलते हैं, वो उनका एक पहचान का तरीका है, प्रोसीजर है जो पुलिस फॉलो करती है, बट कई मामलों में पहचान नहीं हो पाती है। और कई ऐसे हमारे कंट्री में जो लापता लोग हैं, जो फैमिली से बिछड़ गए, उनको भी जो है हम ट्रेस नहीं कर पाते हैं। और तो उस सिचुएशन में जो है, अगर डीएनए प्रोफाइलिंग हमारे पास है किसी इंडिविजुअल की, और फ्यूचर में कभी कोई ऐसी अनक्लेम्ड बॉडी मिलती है और हमारे पास डेटा है जेनेटिक का, तो उससे हम कंपेयर करके आदमी की पहचान कर सकते हैं। इस कानून के बनने के बाद डीएनए नमूने लेना और डीएनए बैंक स्थापित करना आसान हो जाएगा। डीएनए नमूनों का गलत इस्तेमाल रोका जा सकेगा, गलत इस्तेमाल करने वालों को सजा दिलाई जा सकेगी। इसके साथ ही ये कानून न सिर्फ लावारिस लाशों की पहचान कायम करा पाने में मददगार साबित होगा, यौन हमले या हत्या जैसे मामलों में अपराधियों की पहचान, आपदा के शिकार हुए लोगों की पहचान, गुमशुदा लोगों की तलाश, अपराध नियंत्रण और अपराधियों की पहचान के भी ये कारगर कदम हो सकते हैं। हालांकि लोग इसे लेकर निजता की सुरक्षा का सवाल भी उठा रहे हैं। इसमें कई और सवाल भी इस विधेयक से जुड़े हैं। उम्मीद है जब इसे संसद में रखा जाएगा तब इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। ज़ैगम मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी। आपको बताएं कि भारत में 1985 में पहली बार डीएनए सैंपल कोर्ट रूम पहुंचा और 1988 में पहली बार डीएनए जांच के बाद पहली बार किसी आदमी को जेल हुई। लेकिन तब से लेकर एक लंबे अरसे तक इसके लिए कोई ठोस कानून की शुरुआत नहीं हुई। लेकिन अब सरकार इसके लिए बिल संसद में पेश करने जा रही है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, बिल में क्या प्रावधान है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। डीएनए प्रोफाइलिंग को लेकर कानून बनाने की कवायद देश में सबसे पहले 2003 में शुरू हुई। उस वक्त अपराधों के मामले में डीएनए सैंपल के इस्तेमाल को कानूनी दायरे में लाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने एक समिति का गठन किया। इस समिति का नाम था द डीएनए प्रोफाइलिंग एडवाइजरी कमेटी। इस कमेटी का काम डीएनए प्रोफाइलिंग बिल 2006 के लिए अपनी सिफारिशें देना था। हालांकि 2007 में यह बिल ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग बिल के नाम से आया, जिसका ड्राफ्ट बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोस्टिक्स के साथ मिलकर तैयार किया था। 2007 में यह ड्राफ्ट बिल सार्वजनिक कर दिया गया, जिस पर देश भर में व्यापक बहस हुई। हालांकि ये बिल उस वक्त संसद में पेश नहीं हो सका। बाद में इसमें कुछ और तब्दीलियां की गई, लेकिन 2012 में नए मसौदे की कुछ बातें लीक हो गई और एक बार फिर इस पर बहस शुरू हो गई। इसमें निजता का मुद्दा काफी अहम था। ये एक्ट, ये जो बिल है, ये आधार के साथ लिंक करा जाएगा तो किस तरह से करा जाएगा, मोर इम्पोर्टेंटली हमारे राइट ऑफ प्राइवेसी के अगेंस्ट जा रहा है तो उसकी क्या तरीका है उस तरह से ना लेकर जाया जाए। जो एक और इम्पॉर्टेंट बात ये आई गई है कि अभी ये बोला जा रहा है कि ये जो डीएनए प्रोफाइलिंग होगी इस बिल के तहत, वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए होगी जिस पर्पस के लिए ये बना है। पर इसके साथ आपने ये भी कहा रखा है कि हम बाहर की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ भी लाइजनिंग करेंगे, अगर उनको चाहिए तो किन लेवल्स में और किस तरह से लिमिट करके हम उनको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो गया कि जो क्रिमिनल केसेस हैं आपके, जहाँ पे डीएनए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वहाँ पे इस बिल के तहत इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को क्रिमिनल केसेस में क्या मदद मिलेगी। सरकार ने निजता के मुद्दे पर जारी चिंताओं को दूर करने के लिए साल 2012 में ही विशेषज्ञ कमेटी बनाई। जस्टिस अजीत प्रकाश शाह ने अक्टूबर 2012 में अपनी अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट दी और उन्होंने भी अवैध डीएनए कलेक्शन और उसके अवैध उपयोग के लिए ठोस कानून बनाए जाने की वकालत की। इसके बाद 2015 में संसद के मॉनसून सत्र में नए बिल को पेश करने की कोशिश हुई। यही नहीं, 2016 में इस बिल से जुड़ा नया मसौदा जारी हुआ। इस ड्राफ्ट बिल को बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने ही तैयार किया था और सरकार को सौंप दिया। इसे सिविल और आपराधिक कार्रवाई में डीएनए आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग और विनियमन, गुमशुदा व्यक्तियों और मानव अवशेषों की पहचान विधेयक 2016 के नाम से संसद में लाने की तैयारी की गई। इसे ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग बिल के नाम से जाना जाता है। इस ड्राफ्ट बिल के प्रावधानों की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय डीएनए डेटा बैंक स्थापित करना शामिल था। बैंक में अपराधियों, संदिग्धों, गुमशुदा व्यक्तियों, लावारिस मृत लोगों और स्वयं सेवकों का डीएनए इकट्ठा किया जाना प्रस्तावित था। इसके अलावा डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड का गठन का भी इसमें प्रावधान था। बोर्ड में मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान, मानव जेनेटिक्स, जनसंख्या जीव विज्ञान, जैव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान,
कानून और आपराधिक न्याय विशेषज्ञों के होने की बात कही गई। बोर्ड को डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए मानकों को परिभाषित करना था। बोर्ड को प्रयोगशालाओं को प्रमाणित करने और कानूनी एजेंसियों की ओर से सुरक्षित रखे गए डेटा तक पहुंच की निगरानी करने का भी प्रावधान था। हालांकि 2016 के इस मसौदे पर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं ने आपत्ति जताई। इसमें निजता के मुद्दे पर कोई बात नहीं करना शामिल था। इसके अलावा बिल में डीएनए बोर्ड की फंडिंग को लेकर भी किसी तरह का कोई खास प्रावधान नहीं था। साथ ही डीएनए सैंपल किस स्टेज में लिए जाएंगे इस पर भी कोई बात नहीं की गई। इस बीच ड्राफ्ट बिल व्यापक अध्ययन और मशवरे के लिए विधि आयोग के पास भेजा गया। विधि आयोग ने 2016 के ड्राफ्ट बिल का अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को 2017 में सौंपी। जुलाई 2017 में अपनी 271वीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने 2016 के मसौदे का पूरा अध्ययन करने की बात कही और अपनी कुछ अहम सिफारिशों के साथ ही विधि आयोग ने डीएनए आधारित प्रौद्योगिकी इस्तेमाल और नियमन विधेयक 2017 का ड्राफ्ट भी तैयार किया। इसके मुताबिक विधेयक में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर डीएनए डेटा बैंकों के निर्माण की बात कही गई, जो मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। विधेयक में एक वैधानिक डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड की स्थापना की भी बात कही गई है। नए विधेयक में विधि आयोग ने सिफारिश की है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ किसी शख्स की पहचान के लिए किया जाए, जानकारी निकालने के लिए नहीं। नए बिल में बोर्ड को डीएनए सैंपल के इकट्ठा होने से लेकर उन्हें खत्म करने तक सारे नियम बनाने को कहा गया। साथ ही डीएनए प्रोफाइलिंग के मामले में बेहद सख्त गोपनीयता बरतने की बात भी कही गई है। इसका उल्लंघन करने वालों को 3 साल की सजा के साथ ही 2 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। अब ये बोला गया है कि एक नया बिल लेकर आ रहे हैं, उसमें डीएनए लोगों का मैंडेटरी रखा जाएगा और जब ऐसा कोई लापता होगा या कोई ऐसी लाश मिलेगी तो उसके साथ डीएनए प्रोफाइलिंग करके ये पता चल जाएगा कि ये कौन है। अब इसको आधार के साथ भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि आधार में भी एक क्वेश्चन उठाए फंडामेंटल राइट्स का, जो इसमें भी उठाए, तो ये दोनों को साथ साथ लेके चला जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि आधार और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मद्देनजर रखते हुए इस बिल को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। माना जा रहा है कि जो बिल सरकार मानसून सत्र में लाने जा रही है वो विधि आयोग की ओर से पेश ड्राफ्ट बिल के आधार पर ही तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि डीएनए प्रोफाइल का इस्तेमाल सिर्फ अपराध और अपराध को अंजाम देने वालों को पहचानने के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि दुर्घटना या आपदा के पीड़ितों, लापता लोगों की पहचान और नागरिक विवाद के मामलों में भी किया जाएगा। दरअसल कई ऐसे पेचीदा मामले होते हैं जिनकी सच्चाई की तह तक जाने के लिए पहचान की विश्वसनीय तकनीक अपनाना बहुत जरूरी होता है। अपराधियों तक पहुंचने और जटिल समस्याओं को सुलझाने में डीएनए प्रोफाइल एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। इसके जरिए अपराधियों की सटीक पहचान और अनेक संदिग्ध मामलों का आसानी से हल किया जा सकता है। लेकिन डीएनए प्रोफाइल क्या होती है और ये कैसे होती है, आइए ये समझते हैं। डीएनए मनुष्य की कोशिका के गुणसूत्र में पाए जाने वाला अणु है, जिसकी बनावट एक डबल हेलिकल की जैसी होती है और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। डीएनए के एक अणु 4 अलग अलग रासायनिक तत्वों एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन से मिलकर बनते हैं, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट के अणु भी होते हैं। न्यूक्लियोटाइड कोशिका के लिए जरूरी प्रोटीनों का निर्माण करता है, इसलिए डीएनए हर जीवित कोशिका के लिए जरूरी है। डीएनए में मनुष्य की सभी अनुवांशिक जानकारियां छुपी होती हैं। हर मनुष्य का डीएनए एक दूसरे से अलग होता है। डीएनए विश्लेषण के जरिए 2 डीएनए सैंपलों की तुलना कर ये पता लगाया जाता है कि क्या दोनों डीएनए एक ही व्यक्ति के हैं या नहीं। डीएनए की खोज पहली बार जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में की। इस खोज के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समय के साथ डीएनए के तकनीक में विकास होता गया और 1985 में ब्रिटिश वैज्ञानिक एलिक जेफरीज ने डीएनए प्रोफाइलिंग की आधुनिक तकनीक की खोज की। डीएनए बेसिकली एक जो है जेनेटिक मटेरियल है, जो कि हमारी बॉडी के हर सेल में जो न्यूक्लियस है उसमें होता है और इसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। और 2 लोगों का जो डीएनए प्रोफाइल मैचिंग जो है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर होती है। तो जो जेनेटिक प्रोफाइल एक इंडिविजुअल का है वो बेसिकली आधा पेरेंट से आता है, आधा मदर से आता है।
तो और एक सीक्वेंशियली जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेवल करता है। डीएनए प्रोफाइलिंग किसी व्यक्ति के पहचान की फॉरेंसिक तकनीक है, जिसके जरिए जैविक नमूनों जैसे त्वचा की कुछ कोशिकाओं, बाल का एक टुकड़ा, रक्त या लार की कुछ बूंदें लेकर किसी भी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। डीएनए सैंपल के आधार पर डीएनए प्रोफाइल बनाई जाती है। 99.9% डीएनए सभी व्यक्तियों में एक जैसा होता है। केवल 0.1% अंतर के कारण प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए एक दूसरे से अलग होता है और इसी के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग सेल है वो बहुत अभी भी बैकवर्ड है, वो अभी भी अंग्रेजों के ज़माने की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इंटरनेशनली साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में आता है। आप ये जान जाएंगे कि ये बॉडी किसकी है। अगर समझे बॉडी भी नहीं है, उधर आपको एक टुकड़ा भी मिल जाता है, कपड़े का टुकड़ा मिल जाता है, तो आप उसकी प्रोफाइलिंग करके भी ये जान सकते हैं कि उसमें समझो जो खून लगा है या स्किन लगा है या बाल रखा है या और कोई भी बॉडी का कोई पार्ट रखा है, तो उस डीएनए को आप मैच करके वो कौन है ये जान सकते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग तकनीक के जरिए अपराधों को आसानी से सुलझाया जा सकता है। इससे पेशेवर अपराधियों को पहचानने में मदद मिलती है। किसी भी अपराध की जगह से लिए गए नमूनों की प्रोफाइल का मिलान सालों बाद पकड़े गए अपराधी के नमूनों से किया जा सकता है। दुर्घटना या आपदा पीड़ितों या लापता लोगों की पहचान में ये तकनीक बेहद कारगर है। डीएनए प्रोफाइलिंग तकनीक के उपयोग से माता पिता की पहचान भी संभव है। डीएनए प्रोफाइलिंग अगर किसी इंडिविजुअल के हम कोई भी बॉडी टिश्यू ले, चाहे वो आप हेयर का रूट सैंपल ले लो या स्किन ले लो, ब्लड सैंपल ले लो, कोई और टिश्यू ले लो, बोन ले लो, तो इन टिश्यूज से जो सेलुलर लेवल पे हम डीएनए एक्सट्रैक्शन का मेथड है उसे डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी प्रोफाइल जनरेट करते हैं और प्रोफाइल जनरेट करने के बाद उसको जो भी उसका क्लेमेंट है बॉडी का, चाहे पेरेंट्स हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, तो जो भी एक फर्स्ट डिग्री रिलेशनशिप है उनसे हम उनकी जेनेटिक प्रोफाइल मैच करके और ये पता लगा सकते हैं कि ये उनसे बायोलॉजिकली रिलेटेड है या नहीं। डीएनए सूचकांक प्रणाली के तहत डीएनए प्रोफाइलिंग में नई तकनीक रैपिड एचआईटी डीएनए प्रणाली का उपयोग किया गया है, जिसको अमेरिका की इंटेजन एक्स इंक ने विकसित किया है। रैपिड एचआईटी डीएनए प्रणाली खून के धब्बे या लार के नमूने के जरिए डीएनए प्रोफाइल को बनाती है। इस प्रणाली का उपयोग कर 2 घंटे के भीतर डीएनए प्रोफाइल बनाई जा सकती है। हालांकि डीएनए प्रोफाइलिंग को व्यक्ति की निजता पर हमला भी माना जा रहा है। ये आशंका जताई जा रही है कि अनुवंशिक जानकारी इकट्ठा करना किसी के निजता में दखल देना है। हालांकि 2016 में डीएनए प्रोफाइलिंग की शुरुआत करने वाला आंध्र प्रदेश भारत का सबसे पहला राज्य बन गया। आंध्र प्रदेश में डीएनए प्रोफाइलिंग तकनीक का इस्तेमाल अपराधों पर रोक लगाने के लिए किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक के मसौदे में जिंदा लोगों के शरीर से जांच के लिए नमूने लेने का भी प्रावधान किया गया है। इसे लेकर तमाम तरह की शंकाएं भी जताई जा रही हैं, लेकिन इस कानून का समर्थन करने वालों का कहना है कि भारत के अलावा दुनिया के कई और देशों में इस तरह की प्रोफाइलिंग की जा रही है और इससे किसी की निजता और सम्मान को कोई खतरा नहीं है। डीएनए प्रोफाइलिंग और देश में डीएनए डेटा बैंक क्यों जरूरी है, इसके पक्ष में तमाम तरह की दलीलें दी जाती हैं। कहा जाता है कि देश की न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए डीएनए डेटा बैंक बनाना बेहद जरूरी है। इससे कम से कम आदतन अपराधियों को पकड़ना, आपदा के शिकार या लापता लोगों की डीएनए प्रोफाइल के जरिए पहचान और किसी घटना के काफी समय बाद भी अपराध की जगह से लिए गए नमूनों के जरिए पकड़ पाना आसान होगा। लेकिन किसी अनुवांशिक जानकारी को इकट्ठा करना और डेटा के इस्तेमाल का मकसद, ऐसे सवाल हैं जिन्हें लेकर लोगों के मन में कई शंकाएं हैं। देखिए, सबसे बड़ा इसमें इशू है कॉन्फिडेंशियलिटी का, जो है कि नेशनल डेटा बैंक जो है उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी अपने आप में मेंटेन रहे, वो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ। और दूसरा चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर की, इतनी पॉपुलेशन के लिए जो है डीएनए प्रोफाइल जनरेट करना इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो फाइनेंशियल बर्डन भी है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी है, और उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको लेबोरेटरीज का चाहिए पूरी कंट्री में, और देन नेटवर्किंग अमंग दोज लेबोरेटरीज इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो है, ये अपने आप में एक मेहमत टास्क है इसको जनरेट करना प्रोफाइल को, बट जो अचीवमेंट है इसका अगर हम
बिछड़ों को मिला सकते हैं, अनोन अनक्लेम बॉडीज़ को के जो है क्लेमेंट्स को ट्रेस कर सकते हैं, जिनके बच्चे खो गए या फैमिली मेंबर्स खो गए जो ट्रेसेबल नहीं है, लेटर ऑन किसी भी स्टेज पे हम डीएनए प्रोफाइलिंग के थ्रू अगर उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ बिग अचीवमेंट। एंड इसके पक्ष में कहा जा रहा है कि इस तरह की शंकाएं निराधार हैं और 60 से ज्यादा देशों ने आपराधिक मामलों की जांच में इस तकनीक के इस्तेमाल के लिए कानून बनाए हैं। इसमें अर्जेंटीना, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, कनाडा शामिल हैं। हालांकि नीदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रिया में सिर्फ गंभीर आपराधिक मामलों में ही प्रोफाइलिंग की इजाजत है। भारत में भी इस तरह का प्रावधान पहले से है। न्यायिक मजिस्ट्रेट को जानकारी देकर कई आपराधिक मामलों में संदिग्धों की डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए जैविक नमूने लिए जा सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल तो डीएनए प्रोफाइल सिर्फ 17 जोड़ी अंकों का एक समूह ही है। इसके जरिए जो जानकारी जमा होगी वो किसी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बता पाएगी। देखिए, एक मिसयूज की बात तो है ही है, वो तो सरकार खुद भी कह रही है। आधार कार्ड में भी आधार की इंफॉर्मेशन लीक हुई थी, पर आपको लार्जर इंटरेस्ट देखना है और आपको ये ज़रूर देखना है कि सरकार को भी ये देखना है कि ये जो काम कर रही है बहुत अच्छा है, आधार भी जो लेकर आए हैं वो बहुत अच्छा है, पर चेक्स और बैलेंसेस वो शुरू में लेकर आए, ऐसे ना हो कि हर गलती के बाद हम सुधरेंगे। क्योंकि अभी तक अनफॉर्चुनेटली जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनका दिमाग ऐसा ही है कि जब गलती होगी तब हम एक नीजर्क रिएक्शन से कोई अमेंडमेंट ले आएंगे, बिल ले आएंगे, जो गलत है। लेकिन बिल का विरोध करने वाले कह रहे हैं कि नए कानून के जरिए शरीर से न केवल नमूने लिए जा सकेंगे बल्कि उस हिस्से की फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग करने की भी छूट होगी। एक व्यक्ति के शरीर का सारा ब्यौरा और उसका डीएनए प्रोफाइल राज्य के पास होगा। इसका इस्तेमाल आपराधिक मामलों के निपटारे में ही नहीं बल्कि दीवानी मामलों में भी किया जाएगा, यानी कि सरोगेसी, मातृत्व या पितृत्व की जांच, अंग प्रत्यारोपण और इमिग्रेशन जैसे मामलों में भी इसको लागू किया जाएगा। इसके विरोध में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा और 1964 के हेलसिंकी समझौते का भी हवाला दिया जा रहा है। जबकि आधार की बायोमेट्रिक पहचान और निजता को लेकर तमाम विवाद हैं, तब इस तरह की प्रोफाइलिंग को लोग कैसे स्वीकार करेंगे, इसे लेकर भी सवाल हैं। लीना शर्मा के साथ जैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। किसी भी इंसान के लिए निजता का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है। विधि आयोग द्वारा तैयार किए गए ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक में निजता के उल्लंघन को लेकर सवाल उठे हैं, उनको उसमें एड्रेस करने की कोशिश की गई है। हालांकि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर फॉरेंसिक जेनेटिक्स यानी ISFG ने भी व्यक्तियों की निजता की बात कही है। जाते जाते आपको दिखाते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग में निजता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। और आपको याद दिला दें कि हमारा कार्यक्रम आप YouTube पर भी देखना ना भूलें और वहां आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार। डीएनए प्रोफाइलिंग में निजता के अधिकार पर बार बार बहस हुई है। इसके लिए सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समितियों ने भी प्रोफाइलिंग के दौरान निजता का उल्लंघन रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही है। निजता के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार माना है। हालांकि डीएनए सैंपलिंग और प्रोफाइलिंग के मसले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यक्ति की निजता की रक्षा न केवल मानवाधिकार के जरिए की गई, बल्कि डीएनए के उपयोग और इसके रखरखाव के लिए जारी दिशा निर्देशों के जरिए भी की गई है। हर एक देश में सबसे पहले तो कानून है, जहाँ जहाँ जिन जिन देशों में कानून है वहाँ ये सब चीज़ें मैंडेटरी हैं। हमारी कंट्री में इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है, तो इसलिए इंडिविजुअल का अभी तक जो है किसी बाई लॉ या बाई मैंडेट जो है वो हम प्रोफाइल जनरेट नहीं कर पा रहे, वो केस टू केस बेसिस पे चलता है। बट कई कंट्रीज में स्पेशल लॉज हैं जहाँ पे ये डीएनए प्रोफाइल हर इंडिविजुअल की जनरेट होती है। जेनेटिक प्रोफाइल जो नेशनल डीएनए बैंक है उसमें जमा रहता है और जब भी कोई ऐसे अननोन अनक्लेम बॉडी मिलती है तो वो उसको यूज कर सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज बाय लॉ। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर फॉरेंसिक जेनेटिक्स यानी ISFG द्वारा गठित डीएनए आयोग ने इसके लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार आपातकालीन स्थिति में फोरेंसिक डीएनए प्रयोगशाला को सबसे पहले संबंधित अधिकारी को सूचित करना जरूरी है। घायल या मृत व्यक्ति का डीएनए नमूना लेने से पहले अंतिम निर्णय के लिए उस व्यक्ति या उसके परिवार से राय लेनी जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति का डीएनए लिया जाता है तो इस हालात में वहाँ मौजूद अधिकारी का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए जिसके सामने ये प्रक्रिया पूरी की गई है।
जांच या संग्रह के लिए लिए गए डीएनए को सुरक्षित रखने की गारंटी देनी होगी। साथ ही उसके रखरखाव का उचित प्रबंध भी किया जाना चाहिए। आईएसएफजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि डीएनए पहचान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सटीक प्रणाली और रिपोर्ट तैयार करना महत्वपूर्ण है। अगर कई सारी एजेंसियां डीएनए नमूना संग्रह करती हैं, तो ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी लोगों की संख्या स्पष्ट रहे और कोई भी डाटा गलत ना हो। इसके साथ ही किसी भी लापता व्यक्ति का डीएनए परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से ही करने के सख्त प्रावधान है। प्रयोगशाला को काम करने का लंबा और प्रामाणिक अनुभव होना जरूरी है। इसके अलावा सभी डीएनए नमूने को इकट्ठा करने के लिए एक केंद्रीयकृत इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस होना भी जरूरी है। डीएनए प्रोफाइलिंग तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि प्रोफाइलिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, पर मैं ये बोलूंगा कि डीएनए की साइंटिफिक स्टडी काफी होती है, उसको इन्वेस्टिगेशन में काफी यूज किया जाता है। और अमेरिका में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, द इनोसेंस प्रोजेक्ट, जिसमें जो काटजू के जो प्रोफेसर हैं, एक लॉयर हैं, उन्होंने एक टीम बनाई है और वो पुराने केसेस जहां उनको लगता है कि जो सज़ा हुई है किसी को, ज़्यादातर मर्डर के केसेस में, डेथ के केसेस में, रेप के केसेस में, जहां पे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए रिकवर्ड हुई है, और डीएनए पे उस ज़माने में कोई जो आज के प्रोसीजर है वो अवेलेबल नहीं थे, तो वो एविडेंस को निकाल के मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड साइंटिफिक प्रोसीजर्स पे चेक करते हैं। और अगर उनको उसके बाद ये पता चलता है कि जो आदमी जो जेल में सज़ा काट रहा है वो इनोसेंट है, तो फिर उसको बचाने की, उसको निकालने की, उसको इनोसेंट प्रूव करने की मुहिम वो छेड़ते हैं। इन सभी दिशा निर्देशों का पालन भारत समेत तमाम देश करते आए हैं। मौजूदा बिल में भी इन दिशा निर्देशों का जिक्र विधि आयोग ने अपनी 2017 की रिपोर्ट में किया है। आपको बताएं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51AH के मुताबिक भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। भारतीय संसद भी अपराधों का पता लगाने और जांच में तेजी लाने के लिए कानूनी दायरे में तमाम तकनीकी और वैज्ञानिक विकल्पों के विकास करने का काम करती है। लेकिन इसके लिए जब भी कानून लाया जाए या कानूनों में बदलाव किया जाए, तो निजता और मानवाधिकारों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।